पैकेट वाली नमकीन बहुत ही फ्रेश और चटपटी होती है, कोई ड्राई फ्रूट्स वाली होती है, किसी में बिना ड्राई फ्रूट्स का होता है, स्पाइसी होता है, हर तरह के मार्केट में मिलते हैं नमकीन जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आज हम मार्केट वाली नमकीन घर पे बनाएंगे फ्रेश, और इसे स्टोर करके रख सकते हैं कई महीनों तक। तो चलिए बनाते हैं। इसके साथ हमने मिक्स किया है ड्राई फ्रूट्स जो चटपटी भी लगेगी, थोड़ी स्पाइसी भी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एक कटोरी बेसन। अब इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके और थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाल करके मिक्सर को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। इसे हमें डो तैयार करना है, जैसे कि हम लोग रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से, लेकिन इसे ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है, बस डो तैयार कर लेना है अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार करके, जिससे कि हम बेल करके चपाती की तरह और इसे हम शेप दे सके। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए जब हम आटा गूंथेंगे इसका, तो हल्के हल्के पानी डालेंगे क्योंकि ये बेसन का है और थोड़ा सा चिपचिपा भी होगा, तो हल्का सा लास्ट में हम इसको ऑयल डाल देते हैं जिससे कि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। इस तरह से डो तैयार करके इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे बड़ा सा बॉल की तरह। अब इसे हम गूंथ लेते हैं अच्छी तरह से मिक्सचर को, और चपाती की तरह इसे हम बेल लेंगे। बेल करके जिस तरह से हम नमकीन का बनाते हैं शेप कट करते हैं, इस तरह से इसे चिप्स की तरह कट कर लेंगे। 2 तरह के हम बनाते हैं, एक तो मैदा का और एक बेसन का। तो जनरली जो भी पैकेट में होता है वो बेसन का ही बना होता है। अब इसको हम काट लेते हैं, बहुत पतला ही इसका चपाती की तरह शेप देंगे, बहुत जितना हो सके पतला सा हम इसको बेल लेंगे और इसे हम कट कर लेते हैं। किनारे की साइड को हटा देते हैं क्योंकि शेप जो है बढ़िया नहीं आएगा। इस तरह से परफेक्ट शेप देने के लिए इसको हम हटा दिया है। अब इस तरह से कट करके छोटे छोटे पीसेस में हम इसे कर लेते हैं। एक बार मैंने छोटे छोटे पीसेस किया है और एक बार थोड़े से इसे बड़े, मतलब कि मिक्स करके अलग अलग शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये तो अभी मैंने बेसन का बनाया है, इसके साथ एक मैदा का भी बनता है, सिर्फ मैदे का, जिसमें हम हल्दी, नमक, मिर्च डाल करके थोड़ी सी ऑयल इस तरह से कट करके मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही चटपटा लगता है ये सारे नमकीन बनाने के वक्त। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं, तो ऑयल को स्मोकी गरम करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने छोटा सा कट किया था, अभी जो चिप्स कट किया है वो बड़ा सा किया है, उससे साइज़ में दोनों साइज़ का मैंने कट करके इसको हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही पतला ये चिप्स तैयार हो रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। घर पे जो हम नमकीन तैयार करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, लेकिन घर पे जो बनाएंगे नमकीन वो हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और फ्रेश रहेगा। अब हम पीनट को इस तरह से ऑयल में डाल करके फ्राई कर लेंगे और इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। मूंगफली से एनर्जी भी हमें मिलती है और ये नमकीन में कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया देता है, इसलिए कोई भी ऐसा नमकीन नहीं है जो कि
जरा सा भी उसमें पीनट नहीं मिला हो, मतलब जनरली 90% नमकीन में पीनट मिला ही रहता है। अब हम जिस तरह से पहले बेसन का मिक्सचर तैयार किए हैं, इस तरह से फिर से हम एक बार बेसन का मिक्सचर तैयार करेंगे, लेकिन ये जो मिक्सचर होगा इसका हम डो नहीं तैयार करेंगे, थोड़ा सा गीला तैयार करेंगे। इसे पाइपिंग बैग में हम फिल करके शेप देने वाले हैं। तो हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये बैटर भी बेसन का ही है तैयार कर रहे हैं हम। इस तरह से हम, नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, जिससे कि हम लोग पाइपिंग बैग में फिल करते हैं तो इसका शेप अच्छी तरह से निकल जाए। और लास्ट में आधा चम्मच, 1/4 स्पून मैंने डाल दिया है इसमें, जिससे क्या होता है कि करारा और खिला खिला निकलता है खाने वाला मीठा सोडा। अब इस तरह से मैंने लिया है, अब फिल कर देंगे और इसका हम बढ़िया सा शेप तैयार कर देते हैं। तो इसे हम सीजर से कट कर लेंगे सबसे पहले और इसको फ्राई कर लेते हैं शेप दे करके, बहुत ही इजी तरीके से। और इस तरह से हम शेप दे देंगे, कितनी आसानी से ये हमारा नमकीन तैयार हो रहा है आप देख रहे हैं। बिना सांचे का ये हमारा बेसन का नमकीन तैयार हो जाएगा, करारा सा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा करारा भी नहीं होना चाहिए और खिला खिला इससे होता है। इसे ऑयल से हम निकाल लेते हैं। मखाना लिया है हमने, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैकेट में जितनी भी नमकीन्स हैं अलग अलग वैरायटी की होती है। ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जिसमें काजू हो गया, किशमिश हो गया। किशमिश को हम फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्स करने के लिए मैंने इसमें मिला दिया है। सबसे पहले काजू को हम फ्राई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ों से मिक्स करके हम एक नमकीन, जिसमें कि पैकेट में मिलते हैं, टेस्टी नमकीन तैयार होगा। अब ये मैंने पोहा लिया है, तो पोहा ये व्हाइट कलर का है। इसमें थोड़ा सा स्वाद लाने के लिए हल्दी पाउडर और कलर भी आता है, और थोड़ा सा आप लाल मिर्च पाउडर भी मिक्स कर सकते हो। और मिक्सचर में थोड़ा सा, इसमें क्योंकि पानी हम नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा तेल डाल करके इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हम मिला देते हैं, जिससे कि जो हमने मसाला डाला है वो इससे चिपक जाएगा और बढ़िया सा खिल करके हमारा पोहा तैयार होगा। तो करीब हर नमकीन के पैकेट में 90% पोहा रहता है, जिससे कि हम लोग खाते हैं तो पेट भी भर जाता है, ये एनर्जी देती है। ये सारी चीज़ें, पीनट्स हो गया, पोहा हो गया, बेसन के जो भी स्नैक्स तैयार होते हैं, ये सारी चीज़ें नमकीन में तैयार होते ही हैं और घर में बनी हुई हेल्दी भी हो गई। इस तरह से हम पोहा को तल लेते हैं, बढ़िया सा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए सबसे पहले तेल को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे और टेस्ट कर लेंगे कि खिल करके ऊपर आ रहा है कि नहीं। और इसे छन्ने से हम छान करके एक मिक्सचर बाउल में डाल देते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे नमकीन, जितने नमकीन हैं सबको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद मसाले डालेंगे। अब इसमें हमने जो भी बनाया है नमकीन वो सारे इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैंने डाल दिया है मूंगफली को, मखाना डाल देंगे, नमकीन जो बेसन के तले हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये एक हेल्दी नमकीन हमारे घर में फ्रेश तैयार हो जाएगी। और जब अपने हमने इसमें नारियल को तल के डाल दिया है,
अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और मसालों में चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, काला नमक पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके एक चटपटी, इसमें मैंने मिला दिया है सारी चीज़ें, एक नमकीन तैयार करेंगे जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी, और इसे हम स्टोर करके फ्रेश एकदम रहेगा, चाय के साथ या मेहमान हैं उनको सर्व कर सकते हैं।